Hello friends, today we are starting with chapter 1st of class 10, chemical reactions and equations. So this chapter so we are starting with the chemical change. So chemical changes ke andar hum kya karte hain, kya study karte hain, ye sari cheeze discuss karne ja rahe hain. So firstly, before starting anything else, we are going to discuss about the chemical change. Basically chemical change hota kya hai? The change which gave rise to new substances with new properties that are totally different from the starting material or matter. ये basically है क्या, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं. तो जो chemical change होता है, मैं उसमें क्या चीज़ नहीं आती है हमारे पास, उसे completely elaborate करने जा रहा हूँ. आपका mindset totally change हो जाएगा जैसे ही आप मेरी ये बातें सुनते जाओगे. जी, तो रिएक्शन एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर होगा. लेट्स डिस्कस द एग्जांपल. हेयर वी आर टेकिंग हाइड्रोजन रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन एंड गिव राइज टू वाटर. सिंपल सी रिएक्शन है, कोई डिफरेंस, कोई डिफिकल्टी नहीं है. तो इसमें क्या है कि जो हाइड्रोजन है वो हाईली एक्सप्लोजिव है, उसे आग लग जाती है. ऑक्सीजन जो है दैट इज हेल्पिंग इन द कम्बशन, तो वो हेल्प करेगा कि आग लगे. बट इन दोनों की रिएक्शन के बाद, बेसिकली केमिकल चेंज के बाद क्या हो रहा है, वाटर बन रहा है जो कि आग को बुझाने का काम करता है. बेसिकली इट कैन बी यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर. तो अब आप ये देख सकते हो, एक हाइड्रोजन है जो हाईली कम्बशिबल है, एक ऑक्सीजन है जो कम्बशन में हेल्प कर रहा है, एंड व्हाट दे आर फॉर्मिंग दैट इज वाटर. तो यहाँ पे हमारे पास एक ऐसा सब्सटेंस पैदा हुआ जिसकी प्रॉपर्टीज अपने रिएक्टेंट्स से ही डिफरेंट है. सो केमिकल चेंजेस जब होते हैं उनके साथ साथ क्या क्या और नए चेंजेस आते हैं, और बेसिकली हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि केमिकल चेंज हुआ है. सो देयर आर सर्टन थिंग दैट कैन हेल्प अस टू फाइंड आउट द केमिकल चेंजेस. So chemical changes are normally accompanied by the following changes. Number one is the change in state. So पहली बात तो यह है कि state change हो रही है. अब ये जो आपके सामने photograph है, इसमें क्या है कि sodium जो है वो air के साथ react कर रहा है और fumes दे रहा है. तो यहाँ पे sodium जो था solid था, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, उसकी fumes बन रही हैं जो कि gaseous state है. Now next thing is change in color. Color कैसे change होता है, you can see in the first test tube. पहली test tube में देखिए copper sulfate है, उसमें हमने क्या डाला है, zinc granules. जो zinc granules हैं उनकी reaction जब copper से होनी start होती है, तो firstly जो solution है वो थोड़ा सा color change करता है, then it becomes little bit more dirty, and then finally when the reaction is complete zinc sulfate बनता है तो वो colorless होता है. कॉपर सारा नीचे सेटल डाउन हो चुका है, आप देख सकते हो, तो कलर चेंज हुआ, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ केमिकल चेंज. चेंज इन टेम्परेचर, मोस्टली क्या होता है कि जब भी कोई रिएक्शन होती है तो उसमें आइदर इट इज एक्टोथर्मिक, यानी कि टेम्परेचर जो है वो बाहर का इंक्रीज करती है, और इट इज एंडोथर्मिक, मीन्स कि जब रिएक्शन हो रहा होगा तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी, मींस बाहर के टेम्परेचर को डिक्रीज करेगी. तो चेंजेस जो हैं वो एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक दोनों हो सकते हैं. तो वी कैन स्टडी हियर द चेंज इन टेम्परेचर व्हेन सोडियम इज गेटिंग बर्न, वी कैन से इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, व्हेन इट इज रिएक्टिंग विद द वाटर, सोडियम इज चेंजिंग इट्स टेम्परेचर ऑल्सो. Next is evolution of gas. No doubt, gas can also be evolved or given out at the time of reaction. Here we can see the zinc reacting with sulfuric acid and it is giving out the air bubbles. So before starting the chapter, we are going to discuss about the chemical reaction. So chemical change we are now familiar with. Now is the chemical reaction. What is the chemical reaction? Or
It is the representation of a chemical change in terms of reactants involved, various conditions and the products formed. अब इसमें क्या है कि जो भी कुछ हो रहा है उसे हम बहुत ही फॉर्मल तरीके से, फॉर्मली इन अ प्रॉपर सीक्वेंस, इन अ प्रॉपर रूल एंड सेटअप जो है वो उसे फॉलो किया जाएगा। हम बिल्कुल भी उस सेटअप से इधर उधर नहीं आ सकते। रिएक्टेंट्स कौन होंगे, कौन रिएक्शन करेंगे, प्रोडक्ट्स क्या होंगे, क्या बनेगा और किस कंडीशन के अंडर बनेगा, दैट ऑल कम्स अंडर द केमिकल रिएक्शन। सो फर्स्टली केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन वर्ड जहां पे भी आ जाता है तो वी थिंक दैट इट इज रिलेटेड टू समथिंग मैथमेटिक्स। सो हियर वी हैव केमिकल इक्वेशन, इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मैथमेटिकल वी कैन से इक्वेशन, बट अलॉन्ग विद दैट देर आर सम केमिकल सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द कंपाउंड्स। The short representation of chemical reaction with the help of symbols of elements or the chemical formulae of compounds. कोई भी chemical reaction होती है उसे हम सबसे shortest तरीके से अगर explain करना चाहें तो वो सिर्फ और सिर्फ chemical equation ही है। So here we have an example also. Zn plus H2SO4 give rise to ZnSO4 and H2, that is hydrogen gas. So it is quite clear from the equation that on the left hand side we have zinc and sulfuric acid, and in between there is a sign of plus also, that is always put in between the reactants, and similarly the plus sign can also be placed in between the products if they are more than one. Important terms in chemical equations that we have already discussed: the reactant, the substance or the elements, compounds that take part in the reaction are called the reactants. So those who are taking part in the reaction, they are basically the reactants. Because of them the reaction have started. These are written on the left hand side of reaction, and a plus sign can be used if the reactants are more than one. Agar wo ek se jyada hai to unke center mein aur unke beech mein hum प्लस साइन को शो कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में हमने शो किया है रेड कलर से आपके रिएक्टेंट्स को। सेकंड थिंग आर द प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स कौन होते हैं? वो सब्सटेंस जो कि रिएक्शन होने के बाद हमें मिलते हैं। दीज आर द सब्सटेंसेस फॉर्मड एट द एंड ऑफ रिएक्शन। दीज आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द केमिकल इक्वेशन, एंड प्लस साइन कैन बी यूज्ड इफ द प्रोडक्ट्स फॉर्मड आर मोर देन वन एज शोन बिलो। So here also, for your convenience, we have put the products with the red color, the arrowhead. It is also an important part of the equation. It points towards the products and also towards the direction of a reaction. So reaction किस तरफ हो रहा है, क्या से क्या बन रहा है? That is always shown by the arrowhead, and this is an important part of the reaction. अब जो है chemical equation को हम balance करेंगे। Balancing the chemical equation, what is the need of balancing the chemical equation? सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो chemical equation है वो balance क्यों होनी चाहिए। So the law of conservation of mass states that mass can neither be created nor be destroyed during any chemical change. कोई भी chemical change होता है ना जब, तो उसमें atoms का जो number है वो constant रहता है। चाहे state change हो जाए, solid से gaseous state बन जाए, liquid state बन जाए, it doesn't matter। पर होता क्या है कि जो मास है, जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, वो हमेशा क्या रहते हैं? कांस्टेंट, चेंज नहीं होते। सो इसीलिए राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, उन दोनों साइड्स पे द नंबर ऑफ एटम्स मस्ट बी इक्वल, राइट? सो टू कीप
the number of atoms equal on both sides, we have to keep a check on that. We have to check that if the number of atoms on left on the left hand side is not equal to right hand side, then we have to balance the equation. That is must. So let's balance the chemical equation. So how to balance the chemical equation? It is a tricky question, and we have to solve it. How? We have the steps for that. Step 1. Write the complete chemical equation and make separate boxes around the formulae. Let's take an example as shown below. देखिए होता क्या है कि जब भी हम कोई केमिकल इक्वेशन को सॉल्व करने चलते हैं, लाइक उसे बैलेंस करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो भी उसमें गिवन है, लाइक इस इक्वेशन में क्या है हमारे पास, Fe plus H2O give rise to Fe3O4 plus H2. सिंपल रिएक्शन क्या थी, सिंपल Fe था, H2O था, और हमारे पास क्या बन रहा था प्रोडक्ट साइड पे, Fe3O4 और H2. अब इसके आसपास बॉक्सेस क्यों बनाए जाते हैं? बॉक्सेस बनाने का रीजन ये है कि किसी भी वजह से, लाइक वाटर है, उसका फॉर्मूला क्या है, H2O. अगर हमने O के पीछे कोई अलग से नंबर लगा दिया तो वो वाटर नहीं रहेगा, इट विल बी समथिंग एल्स. इसी तरह से किसी भी फॉर्मूले को अगर हमने प्रिजर्व करना है, किसी भी कंफ्यूजन से बाहर रहना है, तो वी हैव टू मेक दीज बॉक्सेस अराउंड द फॉर्मूले और द सिंबल्स. सो दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप. वी हैव टू मेक द बॉक्सेस टू रिमेन आउट ऑफ द कंफ्यूजन व्हाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन दैट इनसाइड द बॉक्स वी आर नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग. अंदर वाली साइड पे हमने कुछ भी चेंज नहीं करना. सेकेंड स्टेप, द नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अनबैलेंस्ड इक्वेशन. जी हाँ, हमें ये पता होना चाहिए कि जिसे हम बैलेंस करने जा रहे हैं वो अनबैलेंस कैसे है, क्या डिफरेंस है उन दोनों में. सो फर्स्टली इज आयरन, वी आर गोइंग टू सी एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, नंबर ऑफ एटम ऑन द राइट हैंड साइड. सो फर्स्टली वी हैव आयरन. आयरन इज हैविंग वन एटम विच साइड, लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज राइट हैंड साइड. सो वन इज आयरन ऑन द प्रोडक्ट साइड, आयरन इज थ्री एटम्स, आयरन हैविंग थ्री एटम्स ऑन द प्रोडक्ट साइड, आर एच एस. नाउ एलिमेंट हाइड्रोजन, टू एटम्स ऑन द राइट हैंड साइड, टू एटम्स ऑन द प्रोडक्ट साइड. सो यू माइट थिंक दैट वी नीड नॉट टू बैलेंस इट, बट लेटर ऑन यू विल कम टू नो अबाउट समथिंग एल्स. ऑक्सीजन, नंबर ऑफ एटम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वन, नंबर ऑफ एटम ऑन द राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड वाली साइड पे कितने हैं, फोर. यस, लेट्स मूव टू द स्टेप थ्री. स्टेप थ्री, स्टार्ट फ्रॉम बैलेंसिंग द कंपाउंड कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, दिस कैन बी अ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट. हमने सिर्फ ये फाइंड करना है कोई ऐसा कंपाउंड या कोई भारी भरकम जो होता है हमारे सामने फॉर्मूला शो हो रहा है ना, तो हमने वो उठा लेना है सबसे पहले. फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस रिएक्शन की बात करें तो इसमें हमारे पास भारी भरकम कौन है, Fe3O4. सो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट इट. और बी पॉइंट पे आते हैं, नाउ सेलेक्ट द एलिमेंट विद मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स. और वो एलिमेंट सेलेक्ट करना है जिसके एटम्स का नंबर सबसे ज्यादा है. तो यहाँ पे कौन है, ऑक्सीजन जो है वो 4 है, आयरन 3 है, तो वी हैव टू टेक द ऑक्सीजन. यस, सो फ्रॉम हेयर वी कैन चूज Fe3O4 एंड बैलेंस द ऑक्सीजन फर्स्ट. ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे पहले. जी हाँ, तो यहाँ पे हमने एक टेबल शो किया हुआ, उस टेबल में क्या है कि एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एटम्स इन रिएक्टेंट्स इन प्रोडक्ट्स, इनिशियल मींस शुरू में कितने थे, रिएक्टेंट्स वाली साइड पे कितने हैं ऑक्सीजन एटम्स, 1 है जब रिएक्शन शुरू हुई थी. यू कैन सी द रिएक्शन ऑल्सो दैट वी हैड स्टार्टेड वेरी फर्स्टली, जो अनबैलेंस थी. देन ऑन द प्रोडक्ट साइड यू कैन सी ऑक्सीजन आर 4, रिएक्टेंट साइड पे सिर्फ 1 है, प्रोडक्ट साइड पे 4 है, Fe3O4. अब हमने इसे करना बैलेंस, तो प्रोडक्ट साइड पे 4 है,
रिएक्टेंट साइड पे एक है, अगर हमने एक को फोर के इक्वल करना है तो वी हैव टू मल्टीप्लाई फोर बाय वन, सो वन मल्टीप्लाई बाय फोर दैट इज इक्वल टू फोर। ओके नाउ लेट्स बैलेंस हाइड्रोजन एटम सिमिलरली। हुआ क्या, ओके स्टेप फाइव, नाउ लेट्स बैलेंस आयरन एटम्स सिमिलरली। इनिशियली वी हैव वन आयरन एटम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड थ्री एटम्स ऑन द राइट हैंड साइड इन द प्रोडक्ट्स केस। फ्रॉम द स्केलेटल रिएक्शन यू कैन सी सिंगल आयरन, आई मीन टू से सिर्फ एक ही आयरन है जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे है, और हमारे पास राइट हैंड साइड पे जो आयरन्स हैं आप फॉर्मूला में देख सकते हो Fe3O4 हैं, तो उसमें Fe3 यानी कि तीन आयरन एटम्स हैं। तो हमने बैलेंस करना है, बैलेंस करने के लिए क्या है कि हमें थ्री आयरन एटम्स जो हैं वो शो करने पड़ेंगे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। जी हाँ, तो थ्री को मल्टीप्लाई करवाते हैं Fe से, 3Fe। नाउ वी हैव थ्री एटम्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑल्सो एंड थ्री ऑन द राइट हैंड साइड। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि नीचे वाली साइड पे आपने क्लियरली ये बना लिया है। नाउ स्टेप सिक्स, लास्ट स्टेप और सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट। तो इसमें हम चेक करेंगे कोई भी करेक्शंस वगैरह जो भी होंगी, इसमें हम बॉक्स हटा देंगे। बॉक्स हटाने के बाद हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और आर एच एस दोनों बराबर हैं या नहीं हैं। तो रिमूव करते हैं बॉक्सेस को। आफ्टर दैट वी कैन सी द फॉलोइंग रिएक्शन, 3Fe प्लस 4H2O गिव राइज टू Fe3O4 एंड फोर हाइड्रोजन्स। नाउ स्टेप सेवन, पुट द सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट्स इन द ब्रैकेट आफ्टर द फॉर्मूलाज। कोई भी रिएक्शन जो होती है वो उसके फिजिकल स्टेट्स के बिना हम कह सकते हैं कि अधूरी है। फिजिकल स्टेट्स अगर आप साथ में मेंशन करते हो इट इज वेरी गुड। तो थ्री आयरन 3Fe इन ब्रैकेट सॉलिड स्टेट प्लस 4H2O लिक्विड स्टेट गिव राइज टू Fe3O4 इन ब्रैकेट सॉलिड प्लस 4H2 इन ब्रैकेट गैसियस स्टेट। सो दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द बेसिक थिंग हाउ टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड शेयर इफ इट वॉज यूजफुल टू यू, एंड एनकरेज करिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।